नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है, उसे दबावें, फिर बेल आइकन को अवश्य दबावें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म राशि के अनुसार उपाय हैं जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपकी धन समृद्धि बढ़ने लगेगी और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आवेगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वाले रात के समय लाल चंदन और केसर घिस करके उसमें रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा यदि आप अपने गले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे तो उससे आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन हानि का अवसर भी आपको नहीं आएगा। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलावें, उस दीपक में दो काली गुंजा डाल देवें तो वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी, आपका रुका हुआ धन भी शीघ्र ही मिलने लगेगा और महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली राशि वृषभ। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद कमल के फूल का पूजन करें तथा बाद में इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान या तिजोरी या लाकर में रख देवे तो आपकी धन समृद्धि बढ़ने लगेगी। और रात के समय गाय के घी के दो दीपक जला करके उन्हें किसी एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख आएं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली राशि मिथुन। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन स्थान पर रख देवे या तिजोरी में रख देवे। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी जी के पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनावे, इससे आपकी परेशानी दूर होगी और महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली राशि कर्क। यदि आपको धन लाभ की अभिलाषा है तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जलावें। यदि आप त्रिकोण आकृति का झंडा भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लहराता रहे तो जब तक वह लहराता रहेगा तब तक आपका भाग्य चमकता रहेगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी धन समृद्धि बढ़ने लगेगी। अगली राशि सिंह। सिंह राशि वाले रात के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आप गाय के घी का दीपक जला करके रखें। यदि यह दीपक प्रातः काल तक जलते रहें तो संजय की आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ने लगेगा। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो दीपावली की शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कमल कलम से गोरोचन के द्वारा शत्रु का नाम लिख करके भूमि में दबा देवे तो इससे आपको शत्रु पक्ष से कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ने लगेगी। अगली राशि कन्या। यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो आप एक लाल रुमाल में नारियल बांध करके अपने गले अथवा तिजोरी में रखें, धन लाभ आपको होने लगेगा। इसके बाद दो कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में दान करें। और यदि आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो आप रोज मीठे चावल कमों को खिलावें, इससे आपकी समस्याओं का निदान होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगेगी, धन की स्थिरता आपकी बढ़ने लगेगी। अगली राशि तुला। यदि आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा हो, धन की स्थिरता नहीं हो रही हो तो आप बड़ के पेड़ के पत्ते पर सिंदूर व घी मिला करके ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र को लिखें और इसे बहते हुए जल में अर्पण कर देवें और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए तुला राशि वाले रोज सुबह स्नान करने के बाद किसी लक्ष्मी मंदिर में जा करके 11 नारायण नारियल अर्पण करें तो भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, धन समृद्धि आपकी बढ़ने लगेगी और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आने लगेगा। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले लोग यदि धन की इच्छा करते हैं तो अपने घर के बगीचे या बरामदे में
केले के दो पेड़ लगा दें तथा इनकी देखभाल स्वयं करें, परंतु जब इनमें फल आए तो उन फलों का सेवन स्वयं नहीं करें, किसी गरीब या अनाथ को देवें या किसी मंदिर में अर्पण कर देवें। तो इससे भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, धन की स्थिरता आपकी बढ़ने लगेगी। अगली राशि धनु। धनु राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए एक पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिख करके अपने पूजा स्थान पर रखें, रोजाना इसकी पूजा करें। यदि आपकी राशि पर कोई बीमारी हो, आपको कोई परेशानी हो, शारीरिक व्याधि हो, तो चंद्रमा को अर्घ देवें और बीमारी के निवारण के लिए चंद्र देवता से प्रार्थना करते रहें, तो आपकी धन समृद्धि भी बढ़ने लगेगी और आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार आएगा। अगली राशि मकर। मकर राशि वाले यदि काफ़ी समय से आपका धन रुका हुआ है तो कपास की रुई का दीपक घर के ईशान कोण पूर्व दिशा में जलावें। यदि विवाह नहीं हुआ है, विवाह में बाधा आ रही हो, तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीला वस्त्र पीली मिठाई अर्पण करें, तो विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और धन समृद्धि आपकी बढ़ने लगेगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले यदि आपके जीवन साथी के साथ अनबन बनी रहती हो तो खीर बनावे, शुक्रवार के दिन बनावे, इसका भोग लक्ष्मी जी को लगावे, फिर स्वयं भी इसमें से प्रसाद लेवे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आवेगा और धन प्राप्ति के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डाल करके लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलावे, यह दीपक रात भर जलने देवे, इससे भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और धन समृद्धि आपकी बढ़ने लगेगी और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली राशि मीन। मीन राशि वाले यदि आपको शत्रु पक्ष से कोई परेशानी हो तो कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिख करके अपने पैर से मिटा देवे, तो शत्रु से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और धन लाभ के लिए किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल के फूल नारियल अर्पण करें तथा मिठाई का भोग लगावें, इससे आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और धन की स्थिरता आपकी बढ़ने लगेगी। तो मित्रों, यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।